वेलकम टू केसीसी स्टडी सर्कल। मेरा नाम है प्रंकेश और मैं आपको आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी आपके नॉलेज पर्पस बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके इंटरव्यू पर्पस बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके ग्रुप डिस्कशन पर्पस बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एक चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। कहाँ भी जाते हो तो अपने उसे इंडिया के बारे में तुम्हें पता रहना चाहिए, कितने परसेंट अपने इंडिया के मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो कैबिनेट मिनिस्ट्री में आते हैं। सो गाइस दिल थाम के बैठिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। मैं आपको ये जितने भी 32% हैं उनको रटा देने वाला हूँ, श्योरली रटा देने वाला हूँ। आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना, ठीक है, मैं बार बार नहीं बोलूँगा आपको। सो चलते हैं गाइज। और हाँ, जो सोए हैं उनके लिए, जो सोए होंगे तो प्लीज़ जागो, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिली है, ज़िंदगी बार बार नहीं आएगी, ठीक है। आप सोते रहोगे तो आपकी ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी, पता है कैसे हो जाएगी, कि सारी दुनिया राख की तरह नीचे और तुम खुद धुएं की तरह ऊपर हो जाओगे। तो ऐसा मत होने दो गाइज। तो प्लीज़ फोकस करो अपने करियर के ऊपर और पढ़ाई करते रहो, जब तक सक्सेस मिलती नहीं तब तक पढ़ते रहो। तो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन अपने इंडिया के हैं मिस्टर वन एंड ओनली नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ये सभी को पता है, हर एक बच्चे को पता है, प्राइम मिनिस्टर है और उनके पास और एक और बहुत सारे मिनिस्ट्री है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस, मिनिस्ट्री ऑफ पेंशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ द एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ऑल इम्पोर्टेंट पॉलिसी इश्यूज एंड ऑल अदर पोर्टफोलियो नॉट अलोकेटेड टू एनी मिनिस्ट्री। मतलब जिनके पास कोई भी मिनिस्ट्री नहीं है वो उनके वो वाली मिनिस्ट्री इनके पास है। और ये जो नरेंद्र मोदी जी है ना, ये जीते कहाँ से है, वाराणसी उत्तर प्रदेश से जीते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है अपने इंडिया के, तो आपको सभी को पता है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, तो उनकी पोर्टफोलियो आपको पता रहना चाहिए और कहाँ से जीते वो पता रहना चाहिए। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं गाइज, जो अपने इंडिया के आने वाले जो अभी फिलहाल में करंट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है उनके बारे में देखते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में तुम्हें दिख रहा होगा कि कुछ पर्सन के नाम लिखे हैं और वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे पहले पर्सन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी के पास है डिफेंस मिनिस्ट्री है और वो जीते कहाँ से, लखनऊ उत्तर प्रदेश जीते है। तो राजनाथ सिंह के पास कौन सी मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री, जीते कहाँ से, लखनऊ उत्तर प्रदेश जीते है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है अमित शाह। अमित शाह के पास कौन सी मिनिस्ट्री है, दो मिनिस्ट्री है। देखो कौन सी मिनिस्ट्री है, दो, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। अभी रिसेंटली इसी साल मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन को ज्वाइन किया है उनके पास पोर्टफोलियो में और वो जीते कहाँ से है, ये लोकसभा एमपी फ्रॉम गुजरात, गांधीनगर गुजरात से जीते हैं। तो अमित शाह के पास कौन सी मिनिस्ट्री है, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, जीते कहाँ से, गांधीनगर गुजरात से। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है नितिन जयराम गडकरी। नितिन जयराम गडकरी के पास कौन सी मिनिस्ट्री है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, और ये जीते कहाँ से, नागपुर महाराष्ट्र जीते, जीते कहाँ से, नागपुर महाराष्ट्र जीते। तो नितिन जयराम गडकरी के पास से कौन सी मिनिस्ट्री है, रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे, जीते कहाँ से, ये लोकसभा एमपी है नागपुर महाराष्ट्र से। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है अपने इंडिया के जो बहुत ही फेमस है, उनका नाम है निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन के पास दो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री किसके पास है, निर्मला सीतारमन के पास है, जीते कहाँ से, ये राज्यसभा एमपी है कर्नाटक से। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर के पास ओनली वन मिनिस्ट्री है, वो मिनिस्ट्री के नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड मोर, वो जीते कहाँ से, मोरेना मध्य प्रदेश से जीते हैं। तो नरेंद्र सिंह तोमर के पास कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड वो जीते कहाँ से, मोरेना मध्य प्रदेश जीते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है किरण रिजिजू। किरण रिजिजू के पास एक ही मिनिस्ट्री है, उनके पास है लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर। तो किरण रिजिजू के पास कौन सी मिनिस्ट्री है, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर, जीते कहाँ से, वो अरुणाचल वेस्ट से जीते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन है वीरेंद्र कुमार।
वीरेंद्र कुमार के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावर्ड और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, और वो जीते कहाँ से? ये टीकमगढ़ मध्य प्रदेश जीते हैं। तो वीरेंद्र कुमार के नाम में ही छुपा है वीर। वीर जो भी बंदा रहता है वो क्या करता है, सोशल जस्टिस देता है लोगों को, और उससे वो लोग क्या होते हैं, एम्पावरमेंट होते हैं। तो वीरेंद्र कुमार के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। वो जीते कहाँ से? टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से जीते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है जो आगे के स्लाइड में है, वो आपको मैं दिखा रहा हूं, जस्ट वेट। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है सुब्रमण्यम जयशंकर। सुब्रमण्यम जयशंकर के पास मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, और वो जीते कहाँ से? राज्यसभा एमपी फ्रॉम गुजरात से जीते हैं। तो एस जयशंकर के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, और वो जीते कहाँ से? ये राज्यसभा एमपी है गुजरात से। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान के पास कितनी मिनिस्ट्री है? दो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्राइज। ठीक है, वो जीते कहाँ से? देवगढ़ ओडिशा से जीते। तो इनके नाम में छुपा है प्रधान। ये प्रधानशिप कहाँ के करते हैं? एजुकेशन से करते हैं। एजुकेशन करने के बाद लोगों में स्किल डेवलपमेंट करते हैं और उनको काम धंधा देते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप देते हैं। और कहाँ कहाँ पे दे रहे ज्यादातर? वो ओडिशा देवगढ़ में दे रहे। तो धर्मेंद्र प्रधान के पास मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप है, और ये देवगढ़ ओडिशा से जीत गया है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा के पास मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, और ये जीते कहाँ से? खूंटी झारखंड से जीते। तो अर्जुन मुंडा के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री। जीते कहाँ से? खूंटी झारखंड से जीते। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्टर भी है, स्मृति जुबेन ईरानी। इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। वो जीते कहाँ से? अमेठी उत्तर प्रदेश से जीते। स्मृति जुबिन ईरानी के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। जीते कहाँ से? अमेठी उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया के पास दो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एंड सेकेंड है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। और ये जीते कहाँ से? ये राज्यसभा एमपी है गुजरात से। तो मनसुख एम मंडाविया के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। तो ये स्लाइड में ही बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे जो आपको पता रहना चाहिए। ये एग्जाम ओरिएंटेड, इंटरव्यू ओरिएंटेड और ग्रुप डिस्कशन ओरिएंटेड और नॉलेज ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट पर्सन जो इंपॉर्टेंट है अपने इंडिया के, उनके बारे में देख लेते हैं और याद करते हैं। नेक्स्ट पर्सन इंपॉर्टेंट है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव के पास कितनी मिनिस्ट्री है? दो, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। वो जीते कहाँ से? ये राज्यसभा एमपी है राजस्थान से। तो भूपेंद्र यादव में ही ट्रिक छुपा है। यादव जी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, लेबरशिप देने के लिए कहाँ लेके जाएंगे? एनवायरमेंट में लेके जाएंगे। और कौन सा काम करने लगाएंगे? फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का काम करने लगाएंगे। और कहाँ पे काम करने लगाने वाले हैं? ये राजस्थान में काम करने लगाने वाले हैं। तो भूपेंद्र यादव के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, और जीते कहाँ से? ये राज्यसभा एमपी है राजस्थान से। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल के तो बाप रे तीन तीन मिनिस्ट्री है। देखो कौन थे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। तीन मिनिस्ट्री है, और ये जीते कहाँ से? ये राज्यसभा एमपी है महाराष्ट्र से। तो पीयूष गोयल के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? तीन। कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। और जीते कहाँ से? राज्यसभा एमपी है महाराष्ट्र से। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन नारायण तातू राणे। कौन है? नारायण तातू राणे। नारायण तातू राणे के पास एमएसएमई मिनिस्ट्री है, एमएसएमई मिनिस्ट्री है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री है, और ये जीते कहाँ से? ये जीते है राज्यसभा एमपी फ्रॉम महाराष्ट्र से जीते है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री है, और ये जीते कहाँ से? राज्यसभा एमपी फ्रॉम झारखंड से। तो मुख्तार अब्बास नकवी के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री। जीते कहाँ से? राज्यसभा एमपी फ्रॉम झारखंड से जीते। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है प्रहलाद जोशी। ये प्रहलाद जोशी के पास कितनी मिनिस्ट्री है? तीन है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, और ये जीते कहाँ से? धरवाड़ कर्नाटका से जीते। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है धर्मेंद्र महेंद्र नाथ पांडे।
है महेंद्र नाथ पांडे। ये जीते कहां से? हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, और जीते कहां से? चंदौली उत्तर प्रदेश जीते है। तो महेंद्र नाथ पांडे के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। जीते कहां से? चंदौली उत्तर प्रदेश जीते है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है गिरिराज सिंह। ये इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? इनके पास दो मिनिस्ट्री है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री एंड पंचायत राज मिनिस्ट्री। और ये जीते कहां से? बेगूसराय बिहार से जीते। ठीक है, तो इनके नाम में ही छुपा है गिरिराज, राज। ये राज करने कहां जाने वाले? राज करने रूरल में जाने वाले। और काय में राज करने वाले? पंचायती पंचायत राज्य में राज करने वाले। और कहां पे करने वाले? बिहार बेगूसराय में करने वाले। तो ये था दोस्तों इंपॉर्टेंट पर्सन जो अपने इंडिया के हैं, उनको याद करने की कोशिश करवा रहा हूँ। प्लीज कंसंट्रेशन से पढ़ो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज तुमको पता है तुम्हारी और हम जो सोते हैं उनकी जिंदगी सारी धुएं की तरह होने वाली है। तो धुएं की तरह न होने देना चाहिए, इसलिए उसको फोकस करना है पढ़ाई में। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं गाइस इंपॉर्टेंट पर्सन को देखने के लिए। देखो नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत के पास जल शक्ति मिनिस्ट्री है और जीता कहां से? जोधपुर राजस्थान से। तो गजेंद्र सिंह शेखावत से तुमको लिंक करना चाहिए सलमान खान की मूवी। सलमान खान की मूवी आई है गर्व, एक गर्भवती वो क्रॉस करता है बार बार, और क्रॉस करके हाथों से बोलता है पानी नहीं दूंगा। तो गजेंद्र सिंह शेखावत ये क्या बोलेंगे? पानी नहीं दूंगा। तो गजेंद्र सिंह शेखावत के पास कौन सी मिनिस्ट्री? जल शक्ति मिनिस्ट्री। जीते कहां से? जोधपुर राजस्थान से थे। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है सर्बानंद सोनावल। सर्बानंद सोनावल के पास दो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। और ये जीते कहां से? माजुली आसाम से थे। तो इनके नाम में ही छुपा है सोना। ये सोना कहां से लेके जाने वाले हैं? पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज से लेके जाने वाले, और उसके साथ आयुष को भी लेके जाने वाले हैं। और ये कहां लेके जाने वाले? माजुली आसाम में लेके जाने वाले। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो सिंधिया में इंडिया छुपा है, सिंधिया में इंडिया छुपा है। तो इंडिया कहाँ? इंडिया में आने के लिए किससे आना पड़ेगा? सिविल एविएशन से आना पड़ेगा। और ये कहाँ जाने वाले हो? मध्य प्रदेश में जाने वाले। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, और ये जीते कहाँ से? राज्यसभा में, फ्रॉम मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है रामचंद्र प्रसाद सिंह। ये इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है, और ये जीते कहाँ से? राज्यसभा में, फ्रॉम बिहार से जीते हैं। तो यहाँ इनके नाम में ही छुपा है प्रसाद। अपन याद है अपन प्रसाद कहाँ कहाँ लेके खाते हैं? स्टील में लेके खाते हैं। और खाने कहाँ जाएंगे? बिहार में जाएंगे। तो श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। और जीते कहाँ से? ये राज्यसभा एमपी फ्रॉम बिहार से थे। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है अश्विनी वैष्णव, और इनके पास मिनिस्ट्री है तीन। कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ये जीते कहाँ से? ये भी राज्यसभा एमपी है ओडिशा से। तो इसको याद करने का ट्रिक है, वैष्णव अश्विनी से बात करने के लिए रेलवे से जाने वाला है। क्या करने के लिए जाने वाला है? बात करने, कम्युनिकेशन करने के लिए जाने वाला है। और ये कम्युनिकेशन किस थ्रू करेगा? इलेक्ट्रॉनिक्स से और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से करेगा। और कहाँ जाने वाला है? ओडिशा जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पर्सन है पशुपति कुमार पारस। कौन है? पशुपति कुमार पारस। कौन है? पशुपति कुमार पारस। तो इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? देखिए इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड। ये जीते कहाँ से? हाजीपुर बिहार से जीते। तो पशुपति कुमार पारस के पास मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, और जीते कहाँ से? हाजीपुर बिहार से जीते। देखो तो इनके नाम में छुपा है पारस, पारस का पन्ना, पारस के खेत, पारस का फूड बनाने के लिए, पारस से फूड बनाने के लिए वो कहाँ जाएगा? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जाएगा। कहाँ जाने वाले? वो बिहार हाजीपुर में जाने वाले। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है राजकुमार सिंह, आर के सिंह। उनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। और ये कहाँ से जीत के आए? अराह बिहार से जीत के आए, राजकुमार राव। ठीक है, तो आर के सिंह के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। और ये जीते कहाँ से? अराह बिहार से जीते हैं। तो राज से याद रहना चाहिए, राज है इसलिए उसके पास पावर है। ठीक है, और वो पावर रहने के बाद न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी को कभी भी क्रिएट कर सकता है। कहाँ पे कर सकता है? अरब बिहार में जाके कर सकता है। नेक्स्ट बंदा, नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी के पास दो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री। और ये जीते कहाँ से? ये राज्यसभा एमपी है उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो इनके नाम में ही ट्रिक छुपा है। देखो
पुरी और दीप, ठीक है। तो पुरी काय में बनाएगा, दीप में बनाएगा, तो जलाने के लिए कुछ चाहिए, तो वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से जलाएगा। कहाँ पे जाने वाला है वो? अर्बन में जाने वाला है, अर्बन के घरों में जाने वाला है, वहां जाके पेट्रोलियम नेचुरल गैस से पूरी बनाएगा दीप जला के। और ये कहाँ पे बनाने वाले? उत्तर प्रदेश में बनाने वाले। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पर्सन है पुरुषोत्तम रूपाला। पुरुषोत्तम रूपाला के पास मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी है, एनिमल हस्बेंड्री है और डेयरिंग है, ठीक है। और जीते कहाँ से? राजस्व एमपी फ्रॉम गुजरात से जीते हैं, तो उनके नाम में छुपा है रूपाला। तो रूप देखना, किसके रूप देखना है उसको? फिशरी के, एनिमल हस्बेंड्री के और डेयरी के। वो देखने कहाँ जाने वाले हैं? गुजरात में जाने वाले हैं। कौन जाने वाले? पुरुषोत्तम रूपाला जाने वाले हैं। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट थे पर्सन जो अपने को पता रहना चाहिए। आपको हर एक ट्रिक बता रहा हो, ठीक है। तो आप प्लीज बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन से और बहुत ही फोकस से सुनिए, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है जो हमें पता रहना चाहिए, उनका नाम है जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी के पास कितने मिनिस्टर? तीन है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्ट्री ऑफ डोनर। तो जी किशन रेड्डी के पास कितनी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये जीते कहाँ से? सिकंदराबाद तेलंगाना से जीते हैं। नेक्स्ट अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर के पास दो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट। ये जीते कहाँ से? हरिमपुर हिमाचल प्रदेश जीते हैं। कहाँ जीते हैं? हमीरपुर, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश जीते हैं। तो इनके नाम में ही छुपा है राग। राग मतलब गुस्सा। गुस्सा किसके ऊपर करने वाले? यूथ के ऊपर करने वाले। क्यों? क्योंकि वो स्पोर्ट नहीं खेलते, इसके लिए वो ब्रॉडकास्ट करके इंफॉर्मेशन देंगे। तो अनुराग सिंह ठाकुर के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जीते कहाँ से? मिनिस्ट्री ऑफ, और ये जीते कहाँ से? हमीरपुर हिमाचल प्रदेश जीते। और एक उनके पास मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत सिंह के पास होल सोल मिनिस्ट्री है, इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री, इनके नीचे कोई काम नहीं करेगा। तो राव इंद्रजीत सिंह के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? दो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन एंड इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। और ये जीते कहाँ से? गुरुग्राम हरियाणा से जीते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह से नाम तो तुमको याद होगा, जितेंद्र हीरो ही है। तो जितेंद्र, इसको पढ़ाई करना है, किसकी पढ़ाई करना है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी करना है। कहाँ जाके करेगा? वो अर्थ में जाके करेगा। तो जितेंद्र सिंह के पास कितनी मिनिस्ट्री है? इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ये जीते कहाँ से? उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर से जीते हैं। तो गाइज, ये था मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन जो आपको मैं याद करवाने की कोशिश करवाया हूं, ठीक है। सो गाइज, आपको ये सेशन पसंद आया होगा, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूले। और केसीसी स्टडी सर्कल के साथ जुड़े रहे, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूँ मैं आने वाले दिनों में, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज। तो गाइज, तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहो, खुश रखो, और मंगल मैत्री दोस्तों, और पीस आउट।